दोस्तों, अगर आप जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप 2023 का ये सुपर फोर मुकाबला जो बेहद ही रोमांचक हो गया है बारिश के चलते, जहां पहले दिन भारत ने 147 रन बनाए तो 2 विकेट के नुकसान पर 24.1 ओवर में। करंट रन रेट की बात करें तो वो भी शानदार था, 6.08। बात करें कप्तान रोहित शर्मा की तो 56 रन जड़े थे बोर्ड पर, 49 गेंदों का किया था सामना, 6 चौके और 4 छक्के थे पारी में शामिल, 114 का रहा था उनका स्ट्राइक रेट। वही बात करें सुमन गिल की तो 58 रन का योगदान सुमन गिल का भी रहा और 52 गेंदों का किया था सामना जिसमें उनके 10 चौके थे शामिल, 111 का था स्ट्राइक रेट। और क्रीज पर विराट कोहली 16 में 8 रन बनाकर मौजूद हैं, तो वहीं केएल राहुल भी 28 गेंदों में 70 रन बना करके क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन बात करें हम रिजर्व डे की तो रिजर्व डे में भी बारिश जारी है, मैच होने की संभावना बेहद ही मुश्किल थी, लेकिन जैसे बारिश रुकी इस मुकाबले को 10-10 ओवर का करा दिया गया, यानी कि भारत ने तो 24 ओवर की बैटिंग कर ली थी, अब 10 ओवर का मैच कैसे होता। तो पाकिस्तान को 10 ओवर खेलने को दिए गए, भारत को आगे बैटिंग नहीं कराई गई और पाकिस्तान के लिए जो टारगेट मिला था वो था 116 रन का 10 ओवर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। पाकिस्तान के लिए चेस करना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन अच्छी शुरुआत की पाकिस्तानी ओपनर ने, लेकिन ये शुरुआत ज़्यादा देर तक नहीं चली और जसप्रीत बुमराह ने दोनों ओपनरों को एक ही ओवर में पवेलियन भेज दिया, जिसके बाद बाबर आजम भी कुछ खास नहीं कर पाए। बाबर आजम ने 3 गेंदों में 9 रन बनाए, जिसके बाद बाबर आजम भी चलते बने। इसी प्रकार पाकिस्तान का हर एक बल्लेबाज आउट होता रहा और पाकिस्तान की पूरी टीम 109 रन की बनाने की जगह पर 103 रन बना करके ऑल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से भारत इस मुकाबले को 5 रन से जीतने में कामयाब रहता है। अब आपको क्या लगता है कि फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई आपसे हाथ जोड़ करके विनय है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलेंगे एक और हाईलाइट के साथ, तब तक के लिए सचिन ठाकुर को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।